प्रॉब्लम नहीं आया, और जिसमें आया उसमें मैंने बता दिया कि ये ऐसे नहीं ऐसे करो। नहीं भाई, तो मसला होता है पूछ लिया मैंने, प्रैक्टिस करेंगे ना साथ साथ हो जाएगा। स्पीड आपको तेज़ इसलिए लग रही है कि इसमें चीज़ें ज़्यादा हैं। पहले हम पढ़ते थे सिर्फ एक ही स्लैट, उसकी एक ही वेयर क्लास, उसका भी एक ही फंक्शन। ये अब चीज़ें पढ़नी पड़ती है, फॉर्म अलग, प्रॉपर्टी पैलेट अलग, ट्रिगर अलग, डिज़ाइनिंग अलग। ये तीन चीज़ें इकट्ठी पर जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे ही लगेगा जैसे बहुत तेज़ी से पढ़ रहा है। वो चीज़ है ही इस तरह की कि उसको ये अलग अलग बताई नहीं जा सकती। ठीक है, मैं आप सिर्फ उसमें वो उसकी प्रॉपर्टी पैलेट ही सारी बता दूँ, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि प्रॉपर्टी पैलेट है इसकी, मैंने बताया 1200, वो तो मैं सारी प्रॉपर्टी पैलेट एक में बता नहीं सकता। ये जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज़ करते हैं। सर जब हम फॉर्म बना लेते हैं उसको रन करते हैं तो रन में जाकर जब सर को आप प्रैक्टिस की थी वो डिपार्टमेंट का नाम इस तरह के नेम सिटी का नाम से वो रन की क्यूरी में जाकर चेंजिंग करनी है या जो हमने फॉर्म बनाया वहाँ जाकर वो प्रैक्टिस वो रन करें कंट्रोल आर दबा के रन करें कर लिया फिर F8 दबा दें या ऊपर एक बटन है वो एग्जीक्यूट क्यूरी का। ठीक है, वो नोट किया करें ना मैं कौन सा बटन दबाता हूँ तो आपको दिखा देता हूँ कौन सा है आज। तो वो बटन आप प्रेस करें सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। अगर नहीं है कोई रिकॉर्ड तो उसमें फिर लिख के हम नया बना के देखेंगे, सेव करके देखेंगे थोड़ा सा और रिपीट कर देते हैं। ठीक हो गया जी, हमारी ये चीज़ बन गई थी। आज मैंने इसकी थोड़ी सी करूँगा लुक एंड फील के ऊपर काम, प्लस इसमें जो थोड़ा बहुत वैलिडेशन जिससे हमने CAD लगाई वो हम ऑटो नंबर लगाना चाहते हैं और उस पर नेविगेशन नहीं देना चाहते। ठीक है ना, सिटी वगैरह का हमने लगा लिया, टाइटल का हेडर कैप लगा लिया, इस तरह की दो तीन चीज़ें और सेटिंग करके ना इसके सेल को पर हम मैसेज दिखाएंगे, इस तरह की चीज़ें आज कर लेते हैं। आपने कहा था कि जो CAD है ऑटो लगाएंगे तो उसको डिसेबल कर देंगे, तो इसमें एक ये भी ऑप्शन होता है कि जो पिछली CAD कर रही है ना उसमें से भी प्रेस करें तो उसका रिकॉर्ड सामने आ जाता है। हाँ जी, वो भी होता है, वो क्यूरी करने का कहते हैं, सर्च करके उसका रिजल्ट आना, पुराना नंबर दे तो उसका रिजल्ट आ गया, वो कोई चीज़ भी करेंगे आप बुला कर फॉर्म। अच्छा जी, चलो अब ये हम करने लगे हैं फॉर्म को सीधा। ठीक है, बीच में मैं थोड़ा सा इस तरह कर लिया। हम कहते हैं जी EID इधर आ जाए और इसका साइज ज़रा इतना हो जाए, क्योंकि नंबर ही आना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 तक के नंबर चल जाए तो वो इस तरह हो जाएगा। कंपनी का टाइटल, चलो टाइटल इतना ही ठीक है, ऊपर ही है ये, इसको इधर किया और इधर कर दिया, इधर है इसको मैं थोड़ा सा इधर इसलिए किया ताकि हमारे प्रॉम्प्ट पूरे पूरे आ जाएं इस फ्रेम के अंदर अंदर। ठीक हो गया, इसको मैंने सेट पकड़ के इधर सेट कर दिया। ठीक है, सिटी है, एरिया बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया, सिटी हम कहते हैं इधर इधर से ये इधर बड़ा स्टोर है। ठीक हो गया, फोन ऐसे करेंगे तो ये ऊपर नीचे बराबर सेंटर में कर देगा। ठीक है, ये मैं ऊपर करूँगा तो बिल्कुल ऊपर लगा देगा, इसको नीचे करूँगा तो उसको नीचे कर देगा, अगर मैं ये सेंटर दबाऊँगा तो वो दोनों को ऊपर नीचे करके बराबर ऐसे कर देगा। ठीक है, ये इसके लिए मकसद होता है। तो ये भी हमारा इसको भी हाँ सेंटर, ये पहले और ये सेंटर कंट्रोल करके हाँ जी कंट्रोल से कर देते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि वेब इसके बराबर हो जाए, इसको मैं थोड़ा सा इसके प्रॉम तो इसके लिए मास से नीचे करके फिर सेंटर कर दिया, नीचे किया और फिर सेंटर। अगर मैं डायरेक्ट सेंटर दबाऊंगा तो इस फील्ड को भी थोड़ा सा ऊपर कर देगा, ये देखें ये वो अभी इसने किया नहीं, ये ज़्यादा ऊपर नीचे होना तो वो फिर उसको भी खराब करता है। ये देखें दोनों को ला दिया उसने, इसलिए हम क्या करेंगे इसको सबसे पहले ऊपर ले देंगे और फिर इसको सेंटर कर देंगे। ठीक है, अगर वैसे सेंटर दबाएंगे तो वो दोनों को हिलाता है,
अब ये जो है, अब मैं चाहता हूँ कि वेब वाली फील्ड इसके बराबर हो जाए, वेब वाली फील्ड इसके बराबर हो जाए, तो हम जाएंगे अरेंज साइज ऑब्जेक्ट्स। आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, साइज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और ये देखिए, अरे विड्थ, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, एवरेज, एवरेज में दोनों को बराबर कर देगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट करेंगे तो जो बड़ा होगा वो छोटे के बराबर हो जाएगा, विड्थ लार्जेस्ट करेंगे छोटा बड़े के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाइट नो चेंज, अगर मैं हाइट भी इसकी कर दूँ ना ऐसे मिसाल के तौर पर, मैं कहता हूँ कि इसकी मुझसे माउस से गलती से हाइट इसकी हो गई है, तो अंदाज़ा नहीं लगाना कि यार ये अब ठीक हो गया, ऐसे ऐसे कर करके नहीं देखना कि ठीक हो गया, इसका जेन्युइन फ्रीक है पीछे, ये हाइट छोटी हो गई इसकी गलती से हो गई है, जैसे भी हो गई। इसको यहाँ सेलेक्ट किया दोनों को, अरेंज साइज ऑब्जेक्ट, विड्थ को कर दिया लार्जेस्ट और हाइट को भी कर दिया लार्जेस्ट। हाइट इसके बराबर, हाइट के बराबर हो जाएगी, विड्थ इसकी, विड्थ इसके, विड्थ के बराबर हो जाएगी, ठीक हो गया। इसको मैं ओके करूंगा तो वो देखेंगे वो फील्ड उसके बराबर का हो जाएगा। अब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, यहाँ क्लिक करूंगा और इसको अब ईमेल है इसको, अरेंज साइज ऑब्जेक्ट्स, विड्थ टू लार्जेस्ट के विड्थ टू स्मॉलेस्ट और हाइट नो चेंज, हाइट हमें पता है बराबर है, ठीक है। तो हमने इसको ओके किया, वो इसके बराबर हो गया। इसको मैंने इधर से इधर लगाया क्योंकि ये बड़ा था वो छोटा था, तो हमने इसको छोटा करना, हम कॉन्टैक्ट पर्सन को कहते हैं इधर ले जाते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट पे लानी है ना, मैंने पहले भी लार्ज को स्मॉल पे लेके आया हूँ, तो मैं अरेंज पे जाऊँगा और रिपीट साइजिंग कर दूँगा, रिपीट साइजिंग। अगर मुझे ज़बानी याद है कि मैंने पिछली बार यही काम किया है, तो मैं रिपीट साइजिंग करूँगा तो वो देखें वो वही वाला काम दोबारा कर देगा, लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट, ठीक हो गया। इसी के मुताबिक कर देगा, ठीक हो गया। कॉन्टैक्ट पर्सन अभी भी आना नहीं है वहाँ पे, अच्छा इसको अच्छा मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और इनको यहाँ से पकड़ के छोटा कर दिया, दोनों बराबर में छोटे हो जाएंगे, ठीक है। सिटी को यहाँ से पकड़ा, इसको थोड़ा सा ऐसे रेंज रिपीट साइज, ठीक हो गया। इसको मैंने इधर लगाया, इसको छोड़ा, इसको पकड़ा, कॉन्टैक्ट पर्सन वो भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा बहुत ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जी ग्रुप हो गया, अब मैं हिलाऊंगा ना तो ये दोनों हिलेंगे, इकट्ठे हिलेंगे। कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है। मैं कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप, कंट्रोल जी से ग्रुप, ठीक है। इन मैंने चार फील्ड्स को पकड़ा और कंट्रोल जी दबा दिया तो वो ग्रुप हो गया, ये चारों फील्ड्स अब ग्रुप हो गए। मैंने क्या किया, इसको और इसको पकड़ के कंट्रोल जी ग्रुप किया, इसको सेलेक्ट किया और मैं अरेंज पे गया, साइज ऑब्जेक्ट विड्थ टू लार्जेस्ट कर दिया, हाइट नो चेंज, अब ये उन दोनों का बराबर हो जाएगा, ठीक हो गया। मैंने इसको पकड़ा, कंट्रोल शिफ्ट जी किया, ये ख़त्म हो गया। इसको पकड़ा, इसको इसके लेफ्ट पे लगाया और सर जी मार्क्स हम दोनों के बराबर हो गया,
मार्क्स देना पूरा ब्रोक है पूरा फॉर्म सीक्वेंस में आ गया ना हमारा ये खूबसूरत लग रहा है पहले वो ज़रा ख़राब सा लग रहा था ठीक है अब मैंने इसको अब क्या करेंगे हम इधर से पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे अब भी मैंने कंट्रोल जी दबा दिया अब देखो उसने पूरी हाइट ले ली है अब मैं क्या करूँगा सारी नहीं आई ये दो ही हैं आई दो ही हैं वो तो बॉक्स तो बक्सा दिखा रहा है ना आपको बक्सा बड़ा हो गया उसका लेकिन ये दो चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हैं ताकि शुरू की और आखिर की ले ली है और मैं अब इसको इसके साथ पकड़ूँगा अरेंज साइज ऑब्जेक्ट विड्थ को नो चेंज हाइट को स्मॉलेस्ट कर देंगे बेसिकली इसको हम थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं शक दूर कर देंगे अब मैं दोबारा इसको पकड़ूंगा ना ग्रुप ही पकड़ेगा अकेले ही पकड़ूंगा तो ग्रुप ही पकड़ेगा अब इसको सिलेक्ट किया रेंज साइज ऑब्जेक्ट हाइट टू स्मॉलेस्ट इसकी हाइट को इसके बराबर कर देगा ओके सो विड्थ भी हमारी चेंज हो गई साहब जैसे कंट्रोल जेड से अंडू होता है और ये एक ही अंडू करता है बस ये कंट्रोल जेड दोबारा करूँगा रीडू कर देगा इसका अंडू भी है रीडू भी है एक ही है बस इसमें गलती के चांसेस सिर्फ एक हैं साइज ऑब्जेक्ट्स विड्थ को नो चेंज हाइट को स्मॉलेस्ट ठीक है ओके ये हो गया इसको पकड़ा इसको पकड़ा इसको मैंने इसके बराबर ऐसे लगा दिया इसको पकड़ा इसको मैं ठीक हो गया इसको पकड़ा कंट्रोल शिफ्ट जी ग्रुप तोड़ दिया मैंने ठीक है अच्छा अब मैं माउस से बाहर से ड्रैग ड्रॉप करके लाया इतनी चीज़ को मैंने पकड़ लिया सारे आइटम पकड़े गए कंट्रोल जी पूरे का ग्रुप बन गया अब मैं इसको जहाँ मर्जी ऐसे करूँ ठीक हो गया अच्छा अब मैं क्या करूँगा इसको इस फ्रेम पे पकड़ूँगा और इसको करूँगा फ्रेम को मुताबिक सेंटर पे कर दो सेंटर से बाहर ये हमारा नहीं आ रहा इसको ऐसे सेंटर में कर दो ये उसमें सेंटर में आ जाएगा हाइट में चल ये देखो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ इसको यहाँ पर है मेरा मेरा फ्रेम बड़ा है या तो मेरा एक और काम है मैं फ्रेम को छोटा कर लूँ या अगर मैंने इसको इस फ्रेम के सेंटर में लाना है तो मैंने एक ये फ्रेम पकड़ा और एक ये कंट्रोल दबा के ग्रुप पकड़ लिया ठीक है और इसको मैंने ये सेंटर दबा लिया तो वो उस पूरे के सेंटर में आ जाएगा ठीक हो गया तो अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा ऐसे भी सेट कर सकता ठीक है फ्रेम के लिए भी वो सही यूज़ कर सकते हैं हाँ फ्रेम यूज़ कर सकते अच्छा अब मैं इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं ठीक है मैं क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि ये मेरा फॉर्म अब हो गया है ऐसे ये आ गया ठीक हो गया क्या हो गया नाम करें कोई बात नहीं सीख रहे हैं हमारी विंडो भी सेट हो गई कैनवस भी सेट हो गई इसका बॉर्डर ऊपर नीचे बराबर रख देंगे तो ठीक रहेगा अब मैं चाहता हूँ कि यार ये भी और ये भी कंट्रोल जी ग्रुप हो जाए और इसके विंडो के मुताबिक ये सेंटर में ये मेरा पूरा फॉर्म इस वक्त सेंटर में आ गया और मैं इसको इससे भी सेंटर में करूँ या इसको आप कैनवस के लिहाज से इधर से पकड़ें इस तरह से पकड़ें और इसको ऐसे ये आपका इस वक्त सारा का सारा फॉर्म पूरे स्क्रीन के सेंटर में आ गया हो गया अच्छा जी इसको कंट्रोल शिफ्ट जी ग्रुप थोड़ा इसका ये मैंने ग्रुप का मजीद आगे ग्रुप बना लिया था ये ग्रुप था वो था उसको मैं इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट जी दबाऊंगा तो ये मेरा ग्रुप टूट जाएगा साथ में सेव करूंगा लाइट का और क्रैश का कोई पता नहीं है ठीक हो गया अच्छा जी ये अभी अच्छा नहीं लग रहा इसको हम कहते हैं अरेंज फॉर्मेट साइज ऑब्जेक्ट विड्थ टू लार्जेस्ट हाइट नो चेंज बन आ गया इसको अब मैंने इसको पकड़ा इसको पकड़ा इसको पकड़ा लेफ्ट राइट प्रॉम्प्ट सारे दाएं तरफ बराबर हो गए इनका मैं फॉन्ट भी अभी बोल्ड कर देता हूँ ताकि बोल्ड हो गए वो बराबर हो ठीक हो गया इसको पकड़ा इसको पकड़ा बोल्ड लेफ्ट और इसको पकड़ा और इसको पकड़ा बोल्ड राइट कटिंग ये कली कर लेना इसको ठीक हो गया तो ये हमारे पास ठीक है
हमारे पास एक फॉर्म की शक्ल थोड़ी सी निकल आई नहीं वो इतने रंग बदल नहीं करते मैं तो इसका भी करने का मन नहीं था इतने कलर नहीं देते क्योंकि आसिफ वगैरह ने जब किया था इनके साथ किए तो फीमेल्स वो फीमेल्स को तो वैसे ही शौक बड़ा होता है रंगबाजी का वो कोई पिंक सब कोई रेड कुछ मैंने कहा ये फॉर्म बना रहे हैं ऐसा नहीं काम तो बड़ा प्रोफेशनल काम आपने कहीं सॉफ्टवेयर देना तो वो रंगबाजी उसे नहीं देखी उसमें फंक्शनलिटी देनी है कि नंबर मेरा लग रहा है नहीं लग रहा है ठीक है अच्छा जी ये पकड़ा फ्रेम ठीक है इसका भी हम यहाँ से ना कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं मिसाल के मैं इसको ग्रे कलर कर देता हूँ इसका साइज़ जो है मैं यहाँ से चौड़ा कर देता हूँ इसको मैं अटैच कर देता हूँ और इसका मैं पहले क्या ना कटिंग कटिंग सी आती है जब आप सॉफ्टवेयर किसी को डिलीवर करें तो वो सेटिंग ऑन करें सर जिससे ये स्मूथ नज़र आता है अब ये सारे स्टील ना सारे ये प्रॉम्प्ट ये स्मूथ हो गए ये स्मूथ हो गए ये 14 बड़ा लग रहा है इसको कंप्लीट खानी होता है अब इसका बॉर्डर कलर भी चाहें तो वो भी मेरे ख्याल से चेंज हो जाता है इसको फिर वो पहले प्लेन करना पड़ेगा अब इसकी F4 पे जाएंगे ना तो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी इसमें फिर ये भी ऑप्शन आती है कि आपने ये प्रॉम्प्ट किधर दिखाना है या आपने इधर से लेफ्ट से कितना छोड़ना है राइट पे दिखाना है किधर दिखाना है F4 ए ये देखें इसकी ये प्रॉपर्टी होती है अपडेट लेआउट ठीक है मैं पहले सेव कर लूँ इसकी प्रॉपर्टी होती है अपडेट लेआउट ये जब आप नया विजिट बनाएंगे ना तो ये होगी ऑटोमेटिक के ऊपर ये देखिए मैंने जैसे ही ऑटोमेटिक किया ना उसने मेरे फॉर्म पे सारी सेटिंग उड़ा दी अपने मुताबिक कर लिया आपने जब भी डेटा ब्लॉक का विजिट बनाना है ना ये अंडू भी नहीं होता ये जेन में रखिए अंडू भी नहीं होता ये वाला आपने जब भी फॉर्म बनाना है ना डेटा ब्लॉक बनाना है सबसे पहली प्रॉपर्टी इसको ऑटोमेटिक की बजाय इसको मैनुअल कर देना उसके बाद आपने सेटिंग कर दी वरना आपने ऐसे करके कुछ किया नहीं ये मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूँगा ना ये कुछ और कर देगा ये मेरे ख्याल मैनुअल कर दिया मैंने हाँ मैनुअल कर दिया ठीक है ना ए अब मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगा नहीं इससे सारी सेटिंग को खराब कर देना वो कह रहे जी फ्रेम नहीं आ सकता पूरा एवरी थिंग नहीं कर दिया मतलब नहीं ये सेटिंग इस तरह आपकी हिला देते हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस तरह का काम ना करें इसको आपने साथ ही मैनुअल कर देना ये ऑटोमेटिक रखेंगे तो सारी मेहनत करने के बाद इस तरह का जब काम होगा ना फिर आप फॉर्म ही कर देना या फॉर्म डेटा ब्लॉक बनाएंगे तब फ्रेम आएगा ना फ्रेम डेटा ब्लॉक बनाने के बाद आता है अपनी सेटिंग शुरू करने से पहले आपने इसको मैनुअल कर देना ठीक है अब मैं जो सेव शुदा फॉर्म है वो लेकर आता हूँ ठीक है ये इस फ्रेम की प्रॉपर्टी है अपडेट लेआउट मैनुअली ये मैंने पहले ही कर दिया था उस दिन ही कल ही तो आपको आइडिया नहीं हुआ कि आज आपको मैंने बता दिया इसका मसला क्या होता है ठीक है इसके अलावा मैं बताता हूँ बहुत कुछ कर सकते हैं अपडेट लेआउट मैनुअली ये देखिए इसकी F4 के अंदर ना F4 के अंदर ये नीचे जाएंगे ना ये स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो ये विजुअल एट्रीब्यूट्स के अंदर ये सारी सेटिंग्स आएंगी मतलब इसी कलरिंग की डिज़ाइनिंग की ठीक है ये जिस तरह ये आ रहा है ये विजुअल एट्रीब्यूट्स इसका कलर एज पैटर्न फिल पैटर्न एज बैकग्राउंड ये बहुत सारी चीज़ें इसकी आ रही होती हैं बताओ ठीक है ये फ्रेम का लेआउट ठीक है ना स्टार्ट फ्रॉम द ऑफसेट इसको मैं ज़ीरो करूँगा ठीक
वो तो फ्रेम का आ रहा है। ये देखिए ये एक डबल आ रहा है, फिजिकली एक्स वाई इसकी जगह है, मैं इसको ये 0 0 की है, एक्स वाई 0 0, ये 41 है ना, मैं इसको यहाँ से 0 करूँगा तो वो देखूँगा उधर जाके लग जाएगा, और हाइट भी 0 करूँगा तो ऊपर जाके लग जाएगा, तो ये 41/46 पे था। वो तो हम अपनी मर्जी से सेट कर चुके हैं, इसको नहीं छेड़ना। ये मैं जो दिखा रहा था ये बेवल, ये है अभी इनसेट, ठीक है, बेवल है इनसेट, इसको मैं करता हूँ रेस्ट। वो देखें उसने बाहर की तरफ निकाल दिया है, ठीक है, उस ब्लॉक को थोड़ा सा ऐसे लगे जैसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, लोअर्ड अंदर की तरफ को दब जाएगा, नन वो ख़त्म हो जाएगा, फिर वो हमारा कलर लेना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसको करूँगा इनसेट तो वो ये इन कुछ चीज़ें लेता है कुछ चीज़ें नहीं लेता, ये इस तरह का फ्रेम बना दिया इसने आउटसेट की तरह का, मैंने फ्रेम ही सिर्फ इनसेट आउटसेट हो जाएगा, ठीक है। प्लेन करेंगे तो वो वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें, ठीक है। इसको हम प्लेन कर देते होते हैं आमतौर पर, ताकि जो हम कलर देंगे यहाँ से वो कलर इसको यहाँ लग जाए, हमारा थीम एक हो जाएगा, ठीक हो गया। एक तो ये बेबल था हमने प्लेन कर दिया, और हमारे पास इधर क्या आ रहा है, फ्रेम टाइटल अलाइनमेंट, ये देखें ठीक है, ठीक है ना, ये फ्रेम की प्रॉपर्टीज में है, फ्रेम फ्रेम टाइटल अलाइनमेंट, स्टार्ट लेफ्ट राइट सेंटर एंड टाइटल, फ्रेम टाइटल ऑफसेट 14, इसको मैं करता हूँ 0, वो देखें वो शुरू में जाके लग गया, कॉर्नर पे लग गया, ठीक है। पहले यहाँ लिखा हुआ था 15 या 14, वो देखें इतना आगे हो गया, इसको मैं कहता हूँ 50, उतना आगे हो जाएगा, 0 तो लग गया। इसको मैं कहता हूँ यहाँ से सेंटर, तो पूरे फ्रेम के सेंटर में आ जाएगा, बेड जितनी मर्जी आप बड़ी छोटी कर लें सेंटर में रहेगा। इसको आप कहें कि स्टार्ट वो शुरू में लग जाएगा, इसको आप कहें एंड तो एंड में लग जाएगा, फिर इसको राइट कहेंगे राइट, लेफ्ट भी लेफ्ट है, ठीक है, लग जाती है इसके अंदर। हम कहते हैं कि ये राइट है और इसका ऑफसेट जो है उधर से तुम 20 करो, वो उधर से 20 छोड़ देगा, वो उस तरफ देंगे, ठीक है ना, 20 पॉइंट्स होते हैं इसके, ठीक है। तो वो बार हम इसको यहाँ से सेंटर करते हैं और इधर से 0 करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, सब पैटर्न सब पैटर्न, ठीक है। ये उसका फॉन्ट स्टाइल बोल्ड इटैलिक ये हमने बाहर से भी कर लिया था यहाँ से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फ्रेम को भी कलर की जगह देते हैं, हमारा उसके साथ मैचिंग है। हम इसको इसको इन सारों को कंट्रोल से पकड़ रहा हूँ, इन सारों का भी कलर मैं ये वाला ब्लू कर देता हूँ, हमारा ये अब ज़रा उसकी लुक सिमिलर सी हो गई, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब मैं चाहता हूँ हमारी जो प्रैक्टिस चलती है ना आमतौर पे, वो ये प्रैक्टिस चलती है कि हम इसको कर देते हैं सेंटर की बजाय स्टार्ट, ऑफसेट इसका जो 15-20 चल रहा है वो चलता रहेगा, बोल्ड हम कर दें, ये चलो बोल्ड हो गया तब भी कर दें, और हम एक टी पकड़ते हैं और यहाँ पे एक वैसे बटन लिख देते हैं कंपनी डिफाइनिंग फॉर्म, ताकि यूज़र को पता चले मैंने कौन सा फॉर्म खोला हुआ है। इसको हम करते हैं 26 और ये बोल्ड है और ये हम लगा देते हैं इधर, ठीक है। इसको 12 किया, इसको हमारे पास इस तरह, ये इसको थोड़ा सा ऊपर करके सेट कर लें जहाँ जहाँ आपका दिल है, इसको आप इसको पकड़ के ऐसे सेंटर कर दें सेंटर भी हो जाएगा, इसको आप यहाँ पकड़ के इसके राइट कर देंगे वो राइट हो जाएगा, ये चीज़ इस तरह हो जाती है इसके लिए, ठीक हो गया। ये चीज़ हो गया, अब थोड़ा सा एक मैजिक आपको दिखाता हूँ मैं। इसके आगे हम करेंगे कंट्रोल डी, इसका डुप्लीकेट निकलता है, कंट्रोल डी से किसी भी चीज़ का आप डुप्लीकेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक फॉन्ट सेट कर लिया, कलर सेट कर लिया, अब मैं एक नया डालूंगा फिर मैं उसको दोबारा सेट करूँगा, वो लंबा काम है। या मैंने दो फ्रेम बनाने हैं तो मैंने इस फ्रेम को सेट कर लिया, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल डी इसका निकाल दूँगा,
वो फ्रेम मेरे पास एक अलग आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इस, मेरे को दो डाटा ब्लॉक है तो मैं यही फ्रेम उधर जाके बिट साइड सेट करूँगा तो हो जाएगा, बजाय इसके मैं उसकी दोबारा जाके यही फॉन्ट यही कलर यही सारा कुछ करूँ। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाता है, हम किसी फील्ड का भी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट निकाल सकते हैं, इस तरह ये डुप्लीकेट निकल आता है। बाद का जिस तरह मैंने कहा था कि हम अकाउंट की आईडी सेव कराएंगे, बच्चे का रोल नंबर सेव कराएंगे, नाम उसका शो करवाएंगे, तो मैं एक फील्ड ऐसे सेट करके उसका कंट्रोल डी निकाल दूंगा और उस पर बच्चे का नाम शो करवा दूंगा, क्योंकि बच्चे का नाम विजिट में नहीं आना, डाटा ब्लॉक में तो बच्चे का नाम है ही नहीं, टेबल में बच्चे का नाम सेव ही नहीं है, वहाँ तो रोल नंबर सेव है सिर्फ, ठीक है ना। इस तरह हम ये चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा ये मैंने डुप्लीकेट किया, ये आ गया मेरे पास, इसका कलर मैंने कर दिया वाइट, ठीक हो गया। और मैं दोबारा इसको इसके ऊपर ले गया, वो हमारा इफेक्ट लग गया जैसे वो बोर्ड या हेडिंग में दी गई, ठीक है। ये दो दो हैं इसलिए उसका इफेक्ट इस तरह का बन गया, शैडो नहीं आता है, नहीं होता शैडो इफेक्ट लग गया, ठीक है। ये चीज़ आ गई, इसको मैं अरेंज सेंड टू बैक, जिस तरह वर्ड में नहीं आता मूव बैकवर्ड सेंड टू बैक, मूव फॉरवर्ड ब्रिंग फ्रंट, ठीक है ना। तो इसको सेंड टू बैक कर दो तो ये पीछे चल जाएगा, अब ये देखें ये आप पीछे चला गया, ठीक है ये पीछे चला गया, पकड़ा मैंने वही वाइट हुआ है। इसको मैं कहता हूँ अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, वो सामने आ जाएगा, वो इस तरह का फट लग जाएगा, ये आपकी चॉइस है जिस तरह का मर्जी आप। हाँ ये भी है ब्रिंग टू फ्रंट, ये भी मतलब ये हम इस तरह का काम भी इसमें कर लेते हैं, ठीक हो गया। सेव हम फिर क्या करते हैं, एक और सॉरी इसको सारे को दोनों को पकड़ लिया कंट्रोल जी, ये ग्रुप बना दिया ताकि जब हम मूव करें तो ये दोनों इकट्ठे मूव हो, ग्रुप नहीं हुआ ये। अब दो पकड़े ए कंट्रोल जी, ये ग्रुप होगा, अब मैं पकड़ के इसको जहाँ मर्जी मूव करूँगा ना वो वही मूव होगा। इसको मैं सेंटर लाइन करूँ इधर राइट लगाऊँ जहाँ पे लगाऊँ फिर वो चीज़ इसका हम ग्रुप नहीं तोड़ते, हमने किसी और फॉर्म पे टाइटल पे लगाना होगा ना मैं इसको कॉपी करके ले लूँगा उधर, वहाँ नाम बदल लेंगे बस। अच्छा इस ग्रुप को मैं बीच में क्लिक करके दोबारा क्लिक करूँगा ना हल्का सा ऐसे, और ये क्रैश नहीं सर, ये वाइट वाइट ये आप सिंगल वाला पकड़ा गया वाइट वाला, मैं कहता हूँ ये वाइट का अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको लगाते हैं ब्लैक, ब्लैक भी अच्छा नहीं लग रहा, ये वाइट को हमने तो पीछे भेज देते हैं, वाइट ही ठीक है और पीछे ले जाते हैं। और इसको मैं कहता हूँ जी ग्रुप कलर होना चाहिए, ग्रुप थोड़े और ये पकड़ा वाइट और इसको ऐसे, चलिए ये फिर भी ठीक है, ठीक है ये हमारा फॉर्म वर्क है। इसको मैंने सेव किया नहीं, अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे ये कॉपी होगा, अगर सारों को करना तो सारों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें वो आएगा वो चेंज कर सकते हैं हम बाद में। इसको आप यहाँ पे दो क्लिक कर दें, एक एक करके आज तक से, ठीक हो गया जी। क्या कह रहे हैं इसको हमने सेव किया, इसको अब हमने रन किया, आर यू श्योर, वो कह रहे लॉग इन करें IMS और X, ठीक है। ये देखिए ये अब आपका छोटे में भी रहे तब भी ठीक है, ये अब आपका एक प्रोफेशनल किस्म का एक फॉर्म लग रहा है कि आपने कोई काम किया हुआ, ठीक है। तो इसको अब हम एंटर करेंगे, वो चार नंबर आईडी लग गई वो उधर चला गया, तो कंपनी ठीक है, देखिए थोड़ा हो गया
ठीक है, आप ये देखें तरतीब, इसके बाद यहाँ जाना चाहिए था इसको, वो एड्रेस पे आ गया। अब वो जाके कॉन्टैक्ट पर्सन पे गया थोड़ा उधर हुआ ठीक है। रिमार्क्स ठीक है, ये मारा गया ठीक है, वो मारा ही चल रहा है। अब हम यहाँ पे बटन लगाएंगे सेव वगैरह के, वो फिर अगली थोड़ी सी कोडिंग अभी हम करेंगे। F10 ये हमारा सेव हो गया, या यहाँ पे तो बता देंगे सेव हो गया। अभी ये कुछ नहीं शो कर रहा ये सेव हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, यहाँ पे इसको मैसेज देना चाहिए वो आ नहीं रहा। हाँ अब सारे इसमें नशे हो जाएंगे। ये है बटन एग्जीक्यूट, ये देखिए नंबर 1 2 3 4। लेकिन ये अब आपको पूरा रिकॉर्ड इसमें फेल होगा तो वो पूरा एक रीजनेबल लग रहा है कि आपने ठीक हो गया। चलो अच्छा अभी हम कुछ चीज़ें और नोट करते हैं। इस पर हमने रन किया ना तो ये देखिए अभी तक यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेन ठीक है। अब हमने यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे हमने चेंज हैं वेन, ये देखते हैं क्यों आ रहा है। इसको हम जाएंगे इधर और ये विंडो में हमारा विंडो का नाम है वेन, हम यहाँ पे F4 दबाएंगे और इसके टाइटल जाके यहाँ लिखेंगे हम ठीक है। टाइटल इसको हम कहते हैं जी कंपनी डिफाइनिंग फॉर्म, ठीक हो गया सेव हो गया। कैनवस बोर्ड ही रखना हमारा ठीक है, ये हमारा ये सेव हो गया। इसको मैं रन करता हूँ, अब वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कंपनी डिफाइनिंग फॉर्म, ये हमारा विंडो यहाँ पे टाइटल भी ठीक हो गया। यहाँ पे इवन ये भी ऑप्शन है कि आप ये तो टाइटल है ना, एक आता है यहाँ मिनिमाइज, मिनिमाइज पे टाइटल क्या दिखाना है, हम कहते हैं कंपनी फॉर्म देखिए ये प्रॉपर्टी, हाँ जी विन की ये कंपनी डिफाइनिंग फॉर्म है, मैं इसको मिनिमाइज करूँगा तो ये देखिए ये कंपनी फॉर्म रह जाएगा। अब ये कंपनी फॉर्म आ रहा है तो इसको मैं ऐसे करूँगा तो वो ये चला गया, ये कंप्लेंट बन गया ऐसे मैंने ठीक है। तो वो चीज़ तो हम आमतौर पर मिनिमाइज का टाइटल नहीं देते, जो मैक्सिमाइज का होता है वही होता है। अच्छा ये चीज़ मूव अलाउ यस है, इसको मैं कहता हूँ नो, रीसाइज अलाउ यस है नो, मैक्सिमाइज अलाउ यस है नो, मिनिमाइज अलाउ यस है नो, ठीक हो गया सेव। ये अब ना मूव कर सकता हूँ मैं उसको, ना मिनिमाइज का बटन है ना मैक्सिमाइज का बटन है, कुछ भी बटन नहीं है, इतना रीसाइज मेरे पास ऑप्शन दे रहा है। क्लोज यहाँ से नहीं था, क्लोज इसका यहाँ से सकते हैं ठीक है। हमारा फॉर्म फिक्स हो गया, अब यूज़र खेलेगा नहीं उसके साथ, माउस से पकड़ के विंडो हिलानी शुरू कर दी है, वो पकड़ के यहाँ से फील्ड ही छोटी कर दी है, फॉर्म छोटा कर दिया है, पकड़ा गया है। मिनिमाइज पासवर्ड दे देते होते हैं, उसे मिनिमाइज करना तो मिनिमाइज कर लेंगे, या मूव अलाउ दे देते होते हैं, लेकिन बाज़ विंडोज़ ऐसी होती हैं जिसको हम मूव अलाउ मिनिमाइज अलाउ देते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे कैश रिसीविंग का फॉर्म है, आप POS पे बैठे हुए हैं, अब उसने बिल नंबर डाल के एंटर किया तो उसके सामने कैश का फॉर्म खुल जाता है, वहाँ अपने पैसे डालो कितने पैसे आपको रिसीव हुए हैं, उसका बैलेंस कितना है। अब हम उसको छेड़ने की ऑप्शन नहीं देंगे यूज़र को कि वो उसके साथ खेलता रहे, वो बस वहीं को अगर लिख के सेव करके तो बस फॉर्म बन गया। इससे कि कई जगहों पे इंपोर्ट्स, इंडस्ट्री में कई जगह पे इंपोर्ट्स ऐसी होती है जिसको फिर हमें फिक्स करना पड़ जाता है, तो हम वहाँ पे फिक्स करते हैं। सर इस तरह भी हो सकता है कि जिस तरह मैं कंपनी डिफाइनिंग का टेबल फिल कर रहा हूँ, अर्जेंटली मुझे कोई और फॉर्म देखना पड़ जाता है या वो हम लगाएंगे, वो हम फिर मेन्यू देंगे, यहाँ मेन्यू देंगे या मेन फॉर्म देंगे, वहाँ बटन दबाता जाएगा
कंट्रोल आर से रन होता है और कंट्रोल क्यू से ये फॉर्म बंद होता है, कंट्रोल प्लस क्यू से, कंट्रोल प्लस क्यू से ये एग्जिट है यहाँ पे लिखा हुआ, और कंट्रोल प्लस छोटे क्यू से स्मॉल क्यू लिखें, क्यू बड़ा डालेंगे तो आप परेशान रहेंगे, एग्जिट होता है। ये देखिए मेरा ये कैप्स लॉक ऑन है ना, और मैं कंट्रोल क्यू दबाई जा रहा हूँ तो नहीं बंद कर रहा, ये बात कल हमें क्लाइंट को फोन करते जी मैं जी फॉर्म बंद कर रहा हूँ हो नहीं रहा, उसे कहते हैं कैप्स लॉक ऑन है, हाँ जी ऑन है, ऑफ करें, ऑफ किया, अब दबाएं, हो गया जी, तो ये फोन कॉल तो आपको आपको आ जाएगी 8 बजे 10 बजे कभी दिन में आ जाएगी कभी रात में आ जाएगी, ठीक है। ये ओरेकल की आसानियाँ भी हैं परेशानियाँ भी हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी ये चीज़ हमारी सेट हो गई, और अच्छा हमने अब तरतीब सेट करनी है, हमारा सबसे सी आई डी सबसे ऊपर, सी टाइटल, सी एड्रेस, इसके बाद सी पर्सन, वो यहाँ आ गया, सी सिटी, फ़ोन, मोबाइल, वेब, ईमेल, रिमार्क्स, इस हवाले से हो गया, ये चीज़ हो गई। हाँ सी टाइटल सी पर्सन सॉरी यहाँ पर, ठीक है जी ये आ गया सेव। अच्छा यही चीज जो हमने अब की है ना, चाहे मुझे बल्कि पहले कराना चाहिए था, यही चीज जो हमने की है ना कि यार ये अब ये अंदर वाले फील्ड जो हैं इनका फॉन्ट मैंने एरियल सबको मैंने पकड़ पकड़ के 10 किया है। अब से सपोज हमारा क्लाइंट ये कह देता है, हम रन करते हैं, वो ये कहता है कि भाई ये जो आपका आ रहा है ना, वो इसके पोस्ट ऊपर लगा होगा सर, फॉर्म फिल करना पड़ता है, इस तरह नहीं जाएगा, वो इस तरह नहीं जाएगा, वो क्लाइंट ही कहता है जी आपके ये फॉन्ट है कि जरा छोटा है, फील्ड बड़ा है, ये फील्ड खाना बड़ा है, ये फॉन्ट छोटा है, फॉन्ट का साइज थोड़ा ना आपका 10 चल रहा है उसको आप 11 कर दें। हम कहते हैं यार फॉर्म बना दिए 15 और अब ये कह रहा है 11 कर दें, हर फॉर्म पे कम से कम भी 10-15 फील्ड होंगे, तो 150-200 फील्ड हो गए, 200-250 जिसको हमने 10 से 11 करना है, फिर आपने 10 से 11 करके दिया, उसने कहा नहीं यार वही ठीक लग रहा था, आप तब चढ़ जाएगी, ठीक है। उसका फिर हल होता है, हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप, ठीक है, ये विजुअल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, विजुअल एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे डेवलप किया तो एक नया विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप बन गया, ठीक है, इसका नाम ये खुद ही लगाता है विजुअल एट्रीब्यूट 26, इससे अगला प्लस करेंगे वो लगाएगा 27, 28, 29, ये अपना लगाता रहता है खुद ही, ठीक है। इन तीनों को मैं डिलीट कर दूंगा, अब आगे प्लस करूंगा अब 30 लगा देगा, ठीक है, तो ये अपने नाम से बढ़ाता रहता है खुद ही। हम क्या करेंगे, एक विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप बनाएंगे और यहाँ पर इसका नाम रखेंगे अपनी मर्जी का, इसको हम कहते हैं फॉन्ट अंडरस्कोर या फॉन्ट स्टाइल, इसका नाम रख दिया मैंने फॉन्ट स्टाइल, जो मेरा ये वाला फॉन्ट है ना अंदर वाला इसकी बात नहीं कर रहा, अंदर वाला ये फॉन्ट स्टाइल जो है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसके लिए एक विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है, प्लस कर दिया। अब मैंने इसको F4 दिखा दिया, इसकी प्रॉपर्टीज खोली, इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी है, ठीक हो गया। मैंने क्या किया, मैंने कहा जी इसका फोरग्राउंड कहते हैं जो सामने वाला रंग होता है, बैकग्राउंड करते हैं जो फील्ड का वाइट कलर का रंग होता है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। अच्छा फोरग्राउंड कलर को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और मैंने कहा जी कि फोरग्राउंड कलर को आप, मैं भी चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको फ़र्क नज़र आए, मैं कहता हूँ जी फोरग्राउंड कलर को ये ब्राउन कर दो और बैकग्राउंड कलर को तुम वाइट कर दो, या अनस्पेसिफाइड भी छोड़ देंगे तब भी वाइट ही होगा, ठीक है, इसमें वाइट ही होगी, दूसरा वाइट आएगा कस्टम वन वाइट, ये ओरेकल 12 पर ऐसे ही है, ठीक है जी। ये हो गया फिल पैटर्न, कोई चीज़ नहीं, अभी मैं बताता हूँ वो क्या चीज़ होती है, ये कलर हो गए दोनों, ठीक है। फॉन्ट, फॉन्ट हम कहते हैं जी हमने लिया ट्रिब्यूट MS, फॉन्ट साइज हमने लिया जी 12
या हम चलो 10 था पहले, अब हमने 12 ले लिया। फॉन्ट वेट जो है हम कहते हैं जी ये मीडियम होगा, इसके कई हैं, लाइट, डेमी लाइट, मीडियम, डेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, अल्ट्रा बोल्ड, चलते इनमें से दो तीन ही वैसे, क्योंकि ये विंडोज़ पर सिर्फ बोल्ड या नॉर्मल चलते हैं। ये जो जितने बता रहा है ना ये बेसिकली लिनक्स के हैं और उसके हैं मैकिंटॉश वगैरह के, ठीक है। तो हम इसको करते हैं ए मीडियम, हम आमतौर पर मीडियम करते हैं, थोड़ा सा फ़र्क डालता है हमारा। फॉन्ट स्टाइल प्लेन, इटैलिक, ओब्लिक, अंडरलाइन, आउटलाइन, शेडो, इन्वर्टेड, आउटस्ट्राइक, ब्लिंक, कुछ नहीं, ये सिर्फ फील्ड जो अंदर वाला देख रहे हैं उसकी बात है। ये शेडो देता नहीं है, विंडोज़ में शेडो नहीं है, विंडोज़ में शेडो नहीं है, ब्लिंक में ब्लिंक भी नहीं करेगा, बत्तियाँ नहीं चलेंगी इसकी, विंडोज़ पे हैं, लिनक्स पे या मैक पे चल जाती हैं, ठीक है। हम इसको कर देते हैं इटैलिक। फॉन्ट स्पेसिंग, कितना फॉन्ट जुड़ा हुआ, जिस तरह वर्ड में भी आता है फॉन्ट स्पेसिंग, कितना फॉन्ट करीब हो या खुला हुआ हो, ठीक है, तो उसका हम नॉर्मल कर देते हैं फॉन्ट स्पेसिंग नॉर्मल, ठीक है। ये मेरा फॉन्ट स्टाइल बन गया है, सारी सेटिंग मैंने सेट कर ली इसकी, काम की। अच्छा, ये मेरा फॉन्ट स्टाइल बन गया। ये ना इसकी टाइप क्या पूछता है, ये देखें विजुअल एट्रीब्यूट की टाइप। ये कॉमन का मतलब होता है फॉन्ट स्टाइल के ऊपर लग रहा है हमारा, जो फील्ड लग रही कॉमन उसको हम कहते हैं। आगे आ रहा है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट होता है ये वाला, कि अगर हमने प्रॉम्प्ट का अलग देना, हम इसके अलग अलग कर सकते हैं, जिससे मैंने यहाँ नेवी ब्लू दिया है, यहाँ पे रॉयल ब्लू दे दिया, तो ये प्रॉम्प्ट का एट्रीब्यूट ग्रुप अलग बनता है, इसका अलग बनता है और इसका अलग बनता है, इन तीनों के अलग बनते हैं। तीन किस्म के विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप होते हैं हमारे पास, विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप तीन किस्म के होते हैं। एक हमारे पास इस फॉन्ट का होता है, फील्ड का, एक हमारे पास इस एट्रीब्यूट का होता है, और एक हमारे पास इस टाइटल का होता है। ये आप दो टाइटल से बंद कर दो, चल रहे हो भाई, बंद कर लेंगे दो चल रहे, ये दो चलाएंगे अगर सर। एक फील्ड का, दूसरा प्रॉम्प्ट का, प्रॉम्प्ट इसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, तीसरा टाइटल। तीन किस्म के भाई, भाई इधर चार बटन है, चार एनर्जी से हो रहा है, 40 से चला रहा है। हां, और वो वाला बंद कर दें, वो दूसरा होगा, दूसरा नहीं पहला होगा, फिर हां बस ठीक हो गया। फील स्टाइल, प्रॉम्प्ट स्टाइल और टाइटल स्टाइल, ठीक हो गया। ये जो मैंने बनाया है ये फॉन्ट स्टाइल का एक बनाया है, ठीक है। F4 कॉमन, जो कॉमन होता है वो फील्ड स्टाइल होता है, फॉन्ट स्टाइल होता है, ठीक है। इसको हम प्लस करते हैं, एक और बन गया, इसको मैं कहता हूँ PROMT, प्रॉम्प्ट स्टाइल। ये मैं अपनी आसानी के लिए नाम रख रहा हूँ F4, और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया प्रॉम्प्ट। अब देखिए ये फील्ड कम हो गया, एक ही एट्रीब्यूट में तीनों को नहीं, एक फॉर्म पे अप्लाई करें वो सारी चीज़ें नहीं, फील्ड का अलग, प्रॉम्प्ट का अलग, टाइटल का अलग, ठीक है। वरना आप क्या करें, अगर आपको आसानी चाहिए इसको कंट्रोल डी दबा दें, इसका डुप्लीकेट निकलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दें PROMPT PROMPT STYLE F4, इसको यहाँ से आप कर दें PROMPT, बहुत फ़र्क हमें नहीं फायदा हुआ, अच्छा। इसका प्रॉम्प्ट का फोरग्राउंड कलर मैं कहता हूँ जी, थोड़ा सा चेंज करने के लिए आपको मैं कहता हूँ इसका हमने ये कर दिया, ठीक है। बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड होता है इसमें, अच्छा। मैं एक तो यहाँ ना अलग अलग सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आके जब मैं क्लिक करूँगा ना, जिसका कि जो वर्ड की विंडो वो खोल देगा, हाँ जी, ट्रिब्यूट MS इटैलिक 12 और ठीक है, ओके, वो सारी चीज़ें उसने, डेमी लाइट है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड ही कर देती हूँ या मीडियम कर दें, ठीक है। ये मेरा अब एक प्रॉम्प्ट स्टाइल भी हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, टाइटल का फिलहाल अभी देखते हैं, टाइटल का हम यूज़ ही नहीं करते, वो अप्लाई होता ही नहीं है इस पर, अप्लाई ही नहीं होता, वो टाइटल देते। अच्छा, अब मसला है यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसको पकड़ा, F4 दबाया, इसके नीचे यहाँ पे ना विजुअल होगा, विजुअल एट्रीब्यूट, ये देखिए ये पूछ रहा है इसका विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप कौन सा है, वो डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अब मैं लिस्ट खोलूँगा ना, तो यहाँ देखिए फॉन्ट स्टाइल आना शुरू हो गया, जो हमने बनाया,
मैं इसको यहाँ से करके कहता हूँ जी फॉन्ट स्टाइल, जब मैं फॉन्ट लगाऊंगा देखें ये लग गए तीर, इन पे लग गए तीर, देखें बाकी सब पे ये ग्रीन है और डॉट होता है, इन पे लग गए एरो, ऐसे ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनहेरिट हो रहे हैं, इस तीर का मतलब है ये इनहेरिट हो रहे हैं। जहाँ पर भी फॉन्ट कलर में तीर नजर आया आपको समझा इनहेरिट है, वो तीर रेड कलर का होगा ब्लैक कलर का होगा, इस तरह के दो किस्म के होंगे, इनहेरिटेंस है। इसका मतलब अब ये फील्ड जो उठा रही है साइज कलर ये वहाँ से उठा रही है, और देखें इसका अब ये चीज़ होगी, ठीक है। अच्छा इसका प्रॉम्प्ट अब वैसा है, मैं इधर आया, ये प्रॉम्प्ट विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप, ये देखिए यहाँ प्रॉम्प्ट स्टाइल आना शुरू हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे किया ये अब वो चीज़ होगी, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होगा, हिलेगा भी ऐसे, चीज़ें थोड़ी खराब, ये पहले 10 है ठीक है, 10 है, हमने उसको 12 किया हुआ है, उसको 10 कर देते हैं, 12 ठीक है। नहीं लगा कुछ, मैं जेब में ना आ कर ठीक हो गया, ठीक है जी। अब देखिए हम क्या करने लगे, अब मैंने इसको 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 इन सारों को पकड़ लिया, ग्रुप नाम है, ग्रुप बनाने की जरूरत ही नहीं है, F4, ये इन सब के अंदर विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप कॉमन होगा, ये सबका डिफॉल्ट आ रहा है इस वक्त। मैं यहाँ भी एक दफ़ा पकड़ के फॉन्ट और एक दफ़ा पकड़ के प्रॉम्प्ट, वो सारे मेरे इकट्ठे हो जाएंगे। सर डेटा ब्लॉक में जारी कर दें, डेटा ब्लॉक तो नहीं दे सकते, ये फील्ड लेवल पर लगती है, आप इस कंपनी पे जाएंगे ना, कंपनी पे जाके यहाँ पे भी विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप होता है, विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप, ठीक है। विजुअल एट्रीब्यूट इसका आप फॉन्ट स्टाइल देंगे ना, कुछ भी नहीं होगा, इंक पे नहीं लगता वो, ये जो हमने फॉर्म बनाया है था बोर्ड, इसकी प्रॉपर्टी में नहीं होगा, इसमें भी विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप होता है, लेकिन इस पर भी लगाएंगे तब भी इफेक्ट आपको ये पिछले इसको वाइड कर देगा, बस इनको नहीं कुछ करेगा वो, इनको ये फील अलग अलग नहीं है, ये फील अलग अलग है हर एक पे, लेकिन फील वो अलग अलग ही लगता है। इसको भी हम पकड़ के F4 विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप इसको हम दे देंगे फॉन्ट स्टाइल, ये बेसिकली ब्लॉक पे लग रहा है, जो ब्लॉक पे लग रहा है उसी से इसको वाइट करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इधर जाते हैं, हम कहते हैं यार प्रॉम्प्ट का साइज ज़रा बड़ा हो गया, ये इधर प्रॉम्प्ट स्टाइल पे गए, हमने इसको कहा 12 के बजाय इसको कर दो एक, इसको कर दो यहाँ से बोल्ड F2, ये देखिए ये अब सारे बोल्ड हो गए, नहीं ऐसे ही है जैसे मैंने ये सारे पकड़ लिए, ठीक है। हम दोबारा इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, ये लेके मेरा प्रॉम्प्ट फील नीचे है, ये आपको इफेक्ट ले लिया उसने, ठीक हो गया। ये वैसे उस तरह भी इफेक्ट ले लेता होता है, वैसे दूसरा भी पैट लेते हैं, हम ले ही रहा इसको देख सकती है, कलर हम कलर इसका कहते हैं कि तुम कर दो दोबारा, वो ले नहीं रहा, असाइन करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, मतलब उसको दोबारा ही असाइन करना पड़ता है, ये मैं कंफर्म कर लूँगा ये क्या हो जाए, दोबारा ये आ गया और ये हमारे पास क्या गया, वैसे वो बड़ा ही ठीक लग रहा है, मौके पे दिखा नहीं रहा, रन करने के बाद एट्रीब्यूट ग्रुप
ही दिखा रहा है, वो ले रहा है उधर, मुझे दिखाने में नहीं दे रहा। ठीक हो गया, ये अब हमारा पीसेस इस तरह चल, लेकिन अभी वो रंग इस तरह का है कि वो टली नहीं कर रहा हमारे उसके साथ। अब मैं इसको दोबारा, इसका यही फ़ायदा होता है, हम यहाँ पे आके अब इसको दोबारा दे देंगे अपना रॉयल व्यू, और इसको हम दे देंगे दोबारा कलर्स की, मैंने वही चलानी थी, वो तो चेंज करने के लिए मैं दिखा रहा था, इसको ऐसे कर देंगे, इसको सेव और बंद करके मैं दोबारा खोलता हूँ। लेकिन अब ये चीज़ कहाँ से कंट्रोल हो रही है, हमारे वहाँ से, अब मैं चेंज करता हूँ सारे फ़ोन पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। इसको भी हम विजुअल एट्रीब्यूट दे सकते हैं, इसका कौन सा होता है, फॉन्ट स्टाइल तो ले रहा है, इसका एक फ्रेम टाइटल का भी विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप होता है, वो भी शायद यहाँ से आएगा प्लस, इसको हम कहते हैं जी फ्रेम स्टाइल F4 कॉमन, जैसे ये टाइटल बेसिकली फ्रेम टाइटल है, सॉरी टाइटल बेसिकली फ्रेम टाइटल है, इसको क्लिक किया, ये फ्रेम टाइटल, ये देखें फ्रेम टाइटल फॉरग्राउंड कलर, इसको हम कहते हैं, इसका कलर भी ये होगा, बैकग्राउंड कलर इसका हमने कोई नहीं देना, फिल भी नहीं देना, और इसकी ये हम देंगे ट्रिब्यूट एम एस, ट्रिब्यूट एम एस इटैलिक, और इधर मैं आऊँगा इसको F4 यहाँ पे हम दे देंगे इसको फ्रेम स्टाइल, ये फ्रेम स्टाइल में इसको ठीक है जी, फ्रेम स्टाइल इसको लग गया, ठीक हो गया, ये हमारा इसको कर दिए फ्रॉम रेजिन, क्लियर है जी, मेरे ख्याल से काफ़ी आज के लिए ये बारह। अब आपको ये सारी चीज़ें बनानी आनी चाहिए, विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप कैसे बनाना है, स्टाइल कैसे असाइन करना है, फील कैसे छोटी बड़ी करनी है, फॉर्म कैसे सेट करना है, टाइटल लगाना है, दो शेडो देना है, फ्रेम देना है, फ्रेम को मैनुअल करना है, और ये फील बना के सारा ठीक है, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, मैंने फॉर्म बनाया था, जब मैं इसको राइट साइड में अलाइन करता हूँ ना, तो फिर आगे पीछे आती है बराबर, इसको राइट साइड पर जब नहीं नहीं ये जो साइड में वो जहरी मतलब बराबर नहीं आएंगे, देखो ना मैं इसको यहाँ से पकड़ के लेफ्ट करूँगा वो तो ऐसे ही हो जाएंगे, लेफ्ट तो बराबर आ गया ना, जब रन करेंगे फिर नहीं बराबर होंगे। वो उसको ना सेटिंग उसकी स्मूथ करके आएंगे, जो मैंने वो पीछे सेटिंग स्मूथ की है ना वो सेटिंग करके आएंगे, फिर आपको शायद सही लगेगा, क्योंकि वो वेबसाइट आगे चला जाता है, मास्क पीछे आ जाता है, इस तरह और तो देखो ऐसे ही ये सेट हो जाता है, ठीक है जी। ठीक है, ये आपको फॉर्म इंशाल्लाह मैं भेज देता हूँ, लाइट आती है, वो लाइट अभी देगी, सिस्टम बंद करना, मुझे फोन आ रहा है।